ये देख ले मेरे पौधे खाने शुरू हो गए हैं। नहीं यार नहीं खाना, फुल एंजॉयमेंट सीन है इनका, कुछ भी नहीं कहते मुझे। और आपको इधर एक चीज बता दूं कि कोई भी बर्ड है, कोई भी पेट है, उसकी केयर सबसे पहले जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं बशीर आप सबको वेलकम करता हूं अपने चैनल में। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, आज का हमारा व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा मज़े का है और मुझे इस व्लॉग की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। ये मतलब मेरे 3-4 साल के व्लॉगिंग या यूट्यूब का कैरियर है, उसमें ये पहली वीडियो होगी इस तरह की, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। तो ये वीडियो काफ़ी टाइम पहले जानी थी, लेकिन मसला ये हुआ कि जिस तरह से मौसम की कंडीशन थी और जिस तरह से धूप वगैरह नहीं निकलती थी, तो मैं वेट कर रहा था कि धूप अच्छी तरह से निकल आए। इसकी रीज़न मैं आपको आगे जाके शेयर करूँगा कि एक तो ये था कि वीडियो के लिए लाइट का इंतज़ाम हो जाता नेचुरल, और जो चीज़ मैंने आपको दिखानी थी उसके लिए धूप जो है वो ज़रूरी थी। तो बस इस वजह से मैं उसको सर्दी का पूरा एक महीना बाहर नहीं निकाल सका। तो अभी आज की वीडियो में वो आपको देखने को मिलेगी, और मैंने कुछ थोड़ा सा उसका इंतज़ाम भी अभी इधर किया है, क्योंकि इधर आके उस चीज़ से शरारत बहुत ज़्यादा करनी है। बस मुझे बहुत ज़्यादा उस चीज़ की एक्साइटमेंट है ख़ुद भी और आपको दिखाने के लिए भी। तो इंशाल्लाह वो भी आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगी। थोड़ा सा इधर बता दूँ कि ये चीज़ है जी हमारे 2 न्यू पेट्स। आप गैस करें जल्दी जल्दी कि क्या हो सकते हैं, वो कमेंट में बताएं। मैंने तो आपको आगे जाके वीडियो में दिखा ही देने हैं और उनकी शरारतें भी दिखा देनी हैं, लेकिन आप अभी इधर थोड़ा सा गैस करें और इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अच्छा आपको इधर बता दूँ कि वो हमारी एवरी का पार्ट नहीं है, एवरी से अलहदा हैं, ना उनको एवरी में रख सकते हैं, वो कुछ चीज़ ही इस तरह की है। तो अभी मैं जा रहा हूँ उनको लेने, सेपरेट रखा हुआ है, इधर लेके आता हूँ, साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ और इधर ला के फिर आपको उनकी डिटेल शेयर करता हूँ। सबसे पहले ना मैं आपको एक मैजिक दिखाता हूँ इधर, आपने ना बस ये साउंड सुननी है अभी। यार ये हैं जी हमारी वो आज की स्पेशल चीज़, तो आपने अभी विसल की पावर देखी है मेरी। ये हैं जी मेरे टीम दोनों, अभी चलते हैं एवरी, वहाँ जाके ना मैं आपको इनकी डिटेल बताता हूँ। अभी इन्होंने बहुत ज़्यादा शरारतें करनी है, तो आप साथ साथ देखते रहिएगा। जी व्यूअर्स, ये है जी हमारी जो न्यू एंट्री है, हमारे 2 न्यू पेट्स, ये मेल है ये फीमेल है, और ये हैं जी दोनों ट्विन्स। तो ये माशाल्लाह से हमारी जो नई है ना आप कह लें एक्टिविटी, नए 2 पेट्स वो ये हैं, और ये मैंने आपको काफ़ी टाइम पहले दिखा देने थे, अब ये देख लें हो गए हैं साथ ही शुरू। असल में यही चीज़ थी कि ये दोनों छोटे थे, और ये देख ले मेरे पौधे खाने शुरू हो गए हैं। नहीं यार नहीं खाने, ये दोनों थे तब छोटे, और मुझे ना वेट जो है हमारे DBM अमार ताहिर डॉक्टर स्पेशलिस्ट, वो मतलब जब से इनकी बर्थ हुई है ना Day 1 से मैं उनसे गाइडेंस और हर चीज़ ले रहा हूँ, तो वो फर्दर मैं आपके साथ वीडियो में आगे चल के शेयर करता हूँ। उन्होंने मुझे बताया था कि इनको सर्दी से बचाना है, और इनकी जो बर्थ है ना वो है नवंबर की, और अभी माशाल्लाह से ये 3 माह के नहीं हुए पूरे ना। तो सीन कुछ ऐसे हैं कि जो इनकी मदर थी ना, उसने Day 1 से ही ना इनको मतलब फीडिंग वगैरह नहीं करवाई, वो मतलब ज़बरदस्ती फीडिंग करवाना पड़ती थी उसको पकड़ के, और बहुत कम फीड करवाती थी, उसकी मिल्किंग कम थी। तो फिर Day 1 से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली मुझे इनको फीड करने की, तो मैं इनको पहले फीडर के साथ और फिर बॉटल और निपल के साथ ना मैं इनको फीड करवाता था, वो भी इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगा। मैं वीडियोस में अब आपको दिखाता रहूँगा सारी जो भी इनकी केयर वगैरह है और डाइट वगैरह है। ये माशाल्लाह से मेरे साथ हो गए टेम, और ये ना फुल फॉलो करते हैं मेरा पैटर्न, मेरी विसल वगैरह। वो वैसे मैं इनको पहले भी इधर 1-2 दफ़ा ले के आया हूँ, वो ये बर्ड ना ताकि डरे ना, लेकिन अभी जो बर्ड्स की आप कंडीशन देख रहे हैं ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा शोर कर रहे हैं इनको देख के।
ये सामने वाला दरवाज़ा मैंने इसी वजह से बंद किया है, तो इनको सारे रास्तों का पता है, ये सारे घूमते हैं घर में, इवन के मेरी जो एवरी है ना ऊपर वाली उधर भी जा चुके हैं ये एक दफ़ा। मुझे इससे पहले इनका कोई आइडिया नहीं था, कोई केयर का नहीं था। लास्ट ईयर जो इनकी मदर है उसने एक जो है मेल को बर्थ दिया था और वो अनफॉर्चुनेटली एक्सपायर हो गया था, क्योंकि मदर मिल कम था, मदर फीडिंग कम होने की वजह से ना। तो इस बार जब से ये दोनों मतलब इनकी बर्थ हुई तो पहले दिन से मैंने एज आ इनको चैलेंज लिया और जो मार भाई हैं उनसे मैंने ए टू जी इनकी फीडिंग का स्केड्यूल, मिल्किंग का स्केड्यूल और सारी केयर उनसे ली। और इवन के ये जो है ना ये मेल, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इनका नाम मैंने अभी तक कोई नहीं रखा, आपने इनका ना नाम भी सजेस्ट करना है। और ये जो मेल है ना ये था वैसे तो हेल्दी, बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से फ़ीमेल से काफ़ी हेल्दी था, अभी फ़ीमेल आपको हेल्दी लग रही है लेकिन ये पहले हेल्दी था। लेकिन इसको एक इशू था कि ये ना इसकी जो पिछली दोनों टांगे हैं ना उनको कोई इशू था, मसल प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से ये ठीक से चल भी नहीं सकता था। तो छोटे होते कि इनकी जो वीडियो मैंने बनाई हुई हैं वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनको सर्दी से बचाने के लिए मैंने जो है वो दो आप कह लें कि हाईनेक्स भी पहनाई हुई थी बच्चों वाली, और मैं स्पेशल दोनों इनके लिए लेके आया था। तो अब आपको बताऊं कि ये जो आपको ज़्यादा हेल्दी क्यों लग रही है, क्योंकि जो इसको हाईनेक पहनाई हुई थी ना रेड और ब्लैक वो थी ज़्यादा स्ट्रेचेबल, और जो उसको पहनाई हुई थी ना ब्लैक वो थी कम, तो उसकी वजह से ना उसकी थोड़ी सी ग्रोथ रुक गई। सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि मैं इनको ना दूध भी ला के सिर्फ कवर रखता होता था कि बाहर नहीं निकालता था, कि सर्दी वगैरह की वजह से ना ये बीमार ना हो, ये बाहर आते होते थे सिर्फ दूध पीने के लिए। तो इस वजह से मैं फिर इनकी ना वीडियो वगैरह नहीं तब बना सका, वरना मैं आपको इनकी डे बाय डे ग्रोथ दिखाता जिस तरह से माशाल्लाह ये ग्रो किए हैं और जिस तरह से इनको सर्वाइव करवाया है इतनी सर्दी में और केयर के साथ। तो अभी अच्छा इसकी ना एक और चीज़ दिखाता हूँ, अगर तो इसने इधर कर दी तो ठीक है, वरना फिर आप स्क्रीन पे इसकी वीडियो ही देखेंगे। तो ये देखें, तो ये ना मेरे हाथ को टच करने आती है, ये वाली जो है ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि इसको लेग्स का इशू था, तो इसका फिर मैंने मसाज वगैरह भी करना उन दिनों, और इसके लिए इंजेक्शन वगैरह का इंतज़ाम किया, और अभी माशाल्लाह से चेक करें आप। तो ये है जी कुछ इस वक्त इनकी सिचुएशन। और आपको इधर एक चीज़ बता दूं कि कोई भी बर्ड है, कोई भी पेट है, उसकी केयर सबसे पहले ज़रूरी है। तो अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं यही कहूँगा कि आप पहले उसकी केयर सीखें, फिर उसको आप ना एज अ पेट रखें। तो मैंने भी ऐसे ही किया, पहले इनकी सारी केयर और फीडिंग वगैरह, इवन कि इन्होंने जो मदर फीडिंग है ना अभी वो बिल्कुल छोड़ दी हुई है, नहीं पीते। लेकिन जब भी मेरे से ये अभी ना फीडर के साथ, हाँ बॉटल फीडर कह लें, उसके साथ ना अभी भी ये दिन में दो बार फीड ले रहे हैं, साथ ये सेल्फ होना स्टार्ट हो चुके हैं। यार ये आपका नहीं है, ये बर्ड्स का है, तो ये देखें जी चने खाने में मसरूफ है। वैसे इनके लिए डाइट वगैरह सारी बना के रखी हुई है। और ये वाला जो है ना, ये जब इसको मैं दूध पिलाता हूँ तो इतना ज़्यादा ये हिट करता है ना मुझे, मैं फिर ना इसके लिए ये रखा हुआ है रिंग, समझ लें आप ना। तो ये देखें, ये और फुल इंजॉयमेंट सीन है इनका, कुछ भी नहीं कहते मुझे। तो आपने अब एक तो इनका नाम सजेस्ट करना है, मैं इधर लगा हुआ हूँ इसको, और ये पत्ते खाने में मसरूफ़ है। इसको रखा हुआ है वो सामने जिधर आपको डिश पड़ी नज़र आ रही है ना, उधर इनका नीचे जो मुर्गियों वाला डरबा होता है ना वहाँ पे इनको रखा हुआ है। तो वो भी इंशाल्लाह आपको अब वहाँ से भी कुछ इनकी वीडियोस देखने को मिला करेंगी, इनकी केयर वगैरह की और इनकी शरारतों की ना। वैसे बहुत ज़्यादा ये फ्रेंडली हैं और शरारतें तो बहुत ही ज़्यादा हैं इनकी ना, ये छत पे घूमना और सारे इधर उधर भागना दौड़ना, इनकी यही रूटीन होती है सारा दिन ना। और अभी तक इनको एक दिन भी रस्सी के साथ नहीं बांधा, खुले घूमते हैं, एंजॉय करते हैं। असल में मेरे पास ना इधर इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है, वरना मैं ना इनका प्रॉपर इधर ही इंतज़ाम करूं और इनको इधर ही रखूं, लेकिन इधर स्पेस कम होने की वजह से ना मैं और कोई चीज़ नहीं अभी रख सकता। अब ये इधर ना आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, एक तो आपने इनका नाम सजेस्ट करना है दोनों का, मेल का भी और फीमेल का भी, और दूसरा ये कि इनकी फीडिंग का भी अभी टाइम है, जो मेल फीडिंग मैं इनको करवाता हूँ ऑनलाइन, तो वो होती है तकरीबन दिन 12 बजे,
और 12 12:30 एक बजे ऑलमोस्ट, कभी 12 बजे से पहले भी हो जाती है और कभी 12 बजे से लेट भी होती है। तो अभी इनके फीडिंग का भी टाइम है, इस वजह से भी थोड़ा सा ज़्यादा तंग करते हैं। और अभी इन्होंने 2 जगह से मेरी कमीज भी चबाई है और अब टाइम है जी इनकी वापसी का। अभी चलते हैं बाहर गली में, वहाँ पर जाके आपको कुछ इनके जो शरारते हैं ना वो चेक करवाता हूँ। ये थी हमारी आज की वीडियो, आज का हमारा व्लॉग। वीडियो कैसी लगी, क्या अच्छा लगा, क्या देखना चाहते हैं, वीडियो का फेवरेट पार्ट कौन सा था और आपके सजेशन क्या क्या हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, नेक्स्ट किसी व्लॉग के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये देख लें जी, कमीज़ खाना शुरू हो गए हैं।